हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर कर लिया है केमिकल काइनेटिक्स में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ से और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने लगी हैं केमिकल काइनेटिक्स में, और उसमें सबसे फर्स्ट है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फिर हम लोग मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे मैंने हल्का सा जिक्र किया था कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे चीज़ें भी और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? तो हम लोगों ने रेट लॉ को डिस्कस कर लिया है। तो रेट लॉ के थ्रू हम लोग क्या पढ़े थे, रेट लॉ हमें ये बताता था कि जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये मैं बोल सकता हूँ, जब मैं एग्जांपल लिया था तो मैं आप लोग को एक वहाँ पे एग्जांपल लेकर के बताया था कि अगर सपोज करो ए प्लस बी है और वो फॉर्म कर रहा है आपका सी को, ए प्लस बी अगर सी फॉर्म कर रहा है तो उस टाइम मैंने बोला था जो रेट होगा इसका वो हो जाएगा कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी के प्रोपोर्शनल होता है और इसके कोफिशियंट के। ये तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि जो रेट लॉ कहता था कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम क्या कहेंगे कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें रेट जो है वो आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि अगर ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रेट जो होता है उस रिएक्शन का वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि रिएक्टेंट के मात्रा पे बढ़ रहा है घट रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, आपका रेट हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई रिएक्टेंट ए है और वो आपका कोई प्रोडक्ट दे रहा है, ए आपका कोई प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जीरो ऑर्डर का क्या हम कह सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कह रहा है, रिएक्शन हुज रेट इज नॉट अफेक्टेड बाई, मतलब जिसका रेट अफेक्ट नहीं करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन के कंसंट्रेशन से आपका रेट इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे, जब ये रिएक्शन हुआ होगा ए से, जब मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, तो अगर हम इसका रेट लॉ के थ्रू लिखना चाहें इक्वेशन को, तो हम क्या लिखेंगे कि रेट जो होता है रेट जो होगा वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पावर हम वन लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कह रहा है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब इसको तुम बढ़ाओ या घटाओ रेट तुम्हारा अफेक्ट नहीं होने वाला। मैं इसको और फर्दर एक्सपेंड करके ये भी लिख सकता हूँ ना कि रेट जो है यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट आएगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब आप खुद सोचना यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के। ये वाला इक्वेशन क्या दिखा रहा है कि रेट है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए के। मतलब कि अगर हम ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो मेरा रेट भी बढ़ेगा। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कह रहा है आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है कि वो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब इस रिएक्शन का रेट इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब अगर इस रिएक्शन का रेट इसके कंसंट्रेशन पे, ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहां पे अगर हम इसको पावर जीरो कर दें तो मेरा ये जो रेट है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। खुद सोचो, अगर कंसंट्रेशन का पावर जीरो करेंगे तो ये आपका वन हो जाएगा, जब वन हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा।
हम लोग वन क्यों नहीं किया? अगर यहाँ पावर वन होगा तो जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेट का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन डिफिनेशन क्या कहता है कि रेट को कोई मतलब नहीं है इस कंसंट्रेशन से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का पावर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो रेट इज इक्वल टू क्या कहेंगे, के ए का पावर जीरो। तो बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो आपका रेट कांस्टेंट के, ये क्या के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है वो आपका रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट वे में। तो उसका सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल होगा आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन शायद आपने नाम सुना होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो सन के प्रेजेंस में होता है, सूर्य के उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल में आप ले लो H2Br2 आपका बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है वो आपका होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इस रिएक्शन से क्या, ये रिएक्शन क्या कह रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब वो रिएक्शन जो आपका सूर्य के प्रेजेंस में होता है। अब सूर्य के प्रेजेंस में अगर मेरा रिएक्शन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि इस रिएक्शन में इस रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं है। रोल क्यों नहीं है, क्योंकि जितने अच्छे से इस रिएक्शन में सनलाइट को प्रेजेंस कराओगे, मतलब जितने अच्छे से सनलाइट को इन रिएक्टेंट के सामने अच्छे से, मतलब सनलाइट को पड़ना चाहिए उन रिएक्टेंट पे, अगर जितने अच्छे से उस पे फोकस करेगा ये सनलाइट, वैसे ही आपका उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब कि इसमें आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कहीं कोई रोल नहीं है। सीधा का सीधा आप कह सकते हो कि अगर जितना अच्छा सूर्य की रोशनी प्रेजेंट हो, सनलाइट प्रेजेंट हो, तो वो रिएक्शन आपका प्रोडक्ट की ओर फॉर्म या प्रोसीड कर जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन का रोल कुछ नहीं है, बट इसका मतलब क्या कि आप इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओ, मतलब H2 के कंसंट्रेशन को या Br2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या घटाओ, उससे इस रिएक्शन के रेट फॉर्मेशन, जो रेट, जिस रेट से ये HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है उसके रेट में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, अपन उस रिएक्शन को कराने के लिए सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, हीट दे करके उस कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, हीट दे करके उस कंपाउंड को डिकम्पोज करके प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग यहां पे कराते हैं, तो उसका एग्जांपल आप ले लो ट्वाइस HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आपका डिकम्पोज होगा, ये साइन है आपका हीट का, ये आपका होता है अगर थर्मल डिकम्पोजिशन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, प्रेजेंस ऑफ गोल्ड या बोलते, या बोल दो ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड के सरफेस पे आप ये थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हो, ये साइन है आपका गोल्ड का। तो गोल्ड के सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, इस हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज करा रहे हो, तो ये डिकम्पोज करके आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन का गैस I2 और H2 फॉर्म होगा। इस वाले रिएक्शन में भी आपका इस कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, जितना अच्छा आप हीट प्रोवाइड कराओगे
उतने अच्छे से ये रिएक्शन आपका फर्दर प्रोडक्ट के साइड मूव करेगा। इसमें इसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका रेट का कंसंट्रेशन, मतलब कि इस इक्वेशन का ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रेट का इसके कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस रिएक्शन में रेट का, इस रिएक्शन के रेट का इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100 लो, 1000 लो या 1,00,000 लो, आपका रेट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये दोनों एग्जांपल थे आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो ये सारे हो गए आपके थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको अभी हम डेराइव करेंगे। वो न्यूमेरिकल पार्ट और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, मेंस ले लो, एडवांस ले लो या फिर नीट ले लो, इन सब में इसके डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है। उस डेरिवेशन से जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा, उस रिजल्ट से भर भर के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अभी मैं डेरिवेशन कराऊंगा, उसको आप ध्यान से देखना और उसे समझना। तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल पार्ट को स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल पार्ट में आपको निकालना होगा जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है, फिर किसी टाइम टी पे रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग निकालना सीखेंगे इस वाले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर मान लो कि रिएक्टेंट ए है और कोई प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, तो मैंने क्या बोला कि जो रेट होता है जीरो ऑर्डर के लिए वो आपका रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हमने इसका पावर क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम मानते हैं कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, ये टाइम टी इक्वल टू जीरो क्या है, जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट। T इक्वल टू जीरो मतलब रिएक्शन आपका स्टार्ट जस्ट हुआ है, वो वाला टाइम होता है T इक्वल टू जीरो। तो T इज इक्वल टू जीरो पर मैं मान रहा हूं कि इस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था, मतलब रिएक्टेंट का जो मात्रा था, वो था आपका ए नॉट। ठीक है, T इज इक्वल टू जीरो पे आपका रिएक्टेंट का मात्रा था ए नॉट। ए नॉट को मैं ए भी बोल दे रहा हूं, स्मॉल ए। इजी होगा हम लोग को वैल्यू रखने में, इसलिए मैंने ए नॉट को ए मान लिया। ए नॉट कब कंसंट्रेशन है, ए नॉट कंसंट्रेशन है जब आपका टाइम जीरो था, मतलब रिएक्शन आपका स्टार्ट हुआ था। अब मैं बोल रहा हूं टी इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू टी मतलब किसी टाइम टी पे, मतलब कि मान लो कि अगर टी इक्वल टू जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, और यहां पर बोल देगा टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड, टी की जगह मान लो बोल दे 15 सेकेंड या 15 मिनट या आधा घंटा, तो आधे घंटे बाद इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो हुआ क्या होगा, स्टार्टिंग था इसका ए मोल, इस रिएक्टेंट का मोल था ए स्टार्टिंग में। अब हुआ क्या होगा कि कुछ टाइम बाद इसका मोल घटा होगा और क्या बना होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा। तो मैं बोल देता हूं कि जो स्टार्टिंग में ए मोल था, इसमें से x मोल घट गया और वो क्या बना दिया, x बना दिया प्रोडक्ट, मतलब कि a में से x घटाया और x कहां चला गया, यहां पे चला गया। ये क्या कह रहा है कि इसमें से x मोल घट गया किसी टाइम t में, किसी टाइम t के बाद इससे x मोल घट गया और वो क्या बना दिया, वो मोल आपका प्रोडक्ट को बनाने में लग गया। इस a माइनस x को मैं बोलता हूं एटी क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम टी, मतलब किसी टी समय में इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, एटी है, और एटी है कितना, ए माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मैं क्या कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एट टाइम टी
मतलब हम टी समय पे रेट लॉ को लगा रहा हूं। तो रेट लॉ लगा रहा हूं मतलब रेट क्या होता है आपका, रेट होता है आपका के और कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना था 80 था तो 80, लेकिन इसका पावर कितना होगा 0 होगा, और ये रेट इस रिएक्शन का। अब मैं क्या कह रहा हूं, रेट को मैंने पहले आपको बताया था, रेट को लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, लेकिन हम लोग रेट जो निकाल रहे हैं अभी किसका निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट साइड का निकाल रहे हैं, और रिएक्टेंट साइड में मोल क्या हो रहा है, पहले ए था अब ए माइनस एक्स हो गया, मतलब कि आपका मोल क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए हम साइन क्या लगाएंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो माइनस साइन के साथ मैं लिख लूं रेट को क्या लिख दूंगा, माइनस डी, टाइम टी पे कंसंट्रेशन क्या था 80 था, तो डी 80 बाय डी टी इज इक्वल टू के 80 का पावर 0। अच्छा ये 80 है क्या, 80 है इस ए का कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसी समय टी पे। अब ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन को, अब इस इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और सिंप्लीफाई करके क्या करूंगा, 80 का पावर 0 है, ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो 80 का पावर 0 आपका हो गया 1। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस डी 80 बाई डी टी, माइनस डी 80 बाई डी टी, इज इक्वल टू के बच जाएगा, क्यों, क्योंकि 80 का पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो गया। यहां तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कर रहे हैं कि डी 80 इस dt को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो लिख देता हूं k dt, और इस माइनस साइन को मैं इधर शिफ्ट करा दे रहा हूं, इस माइनस को मैं इधर लिख दिया। अब इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों साइड में, दोनों साइड में आप इंटीग्रेट कर दो, तो आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। यहां पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डी 80 का क्या होता है, जब अगर डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या निकलता है, मेरा एक्स निकलता है, तो डी 80 को इंटीग्रेट करते क्या मिलेगा, 80 मिल जाएगा। होप कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा थोड़ा सा, जितना मेरे को आता है उतना आपको भी आता होगा। तो डी 80, डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स होता है, वैसे डी 80 का क्या होता है 80 हो गया। अब ये माइनस के क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये टर्म क्या आपका कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, और यहां क्या बच गया डी टी बच गया, इसको मैं एक स्टेप में कर ही देता हूं, ये भी आपका डी 80 था। अब मैं इंटीग्रेट कर ले रहा हूं, तो ये डी 80 क्या हो गया 80 हो गया, और माइनस के और डी टी का भी क्या होगा टी हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट भी आएगा, तो मेरा एक ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब मैं कर क्या रहा हूं, इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है कि इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं टी इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में, बोल दे रहा हूं एट टी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में मैं टी को 0 पुट कर रहा हूं, मतलब टी को मैं 0 पुट कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा ये 80 क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ टी, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, तो टी इज इक्वल टू 0 पे 80 का कंसंट्रेशन कितना है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब इस इक्वेशन में मैं टी को 0 पुट कर रहा हूं तो उस टाइम पे क्या होगा, जब टी इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो उस टाइम पे 80 कितना था, तो टी इज इक्वल टू 0 में जो 80 था, टी इज इक्वल टू 0 में जो 80 था वो पूरा का पूरा कितना था, ए नॉट था, मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था t इज इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इस 80 का कंसंट्रेशन कितना था, तो स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट था, तो मैं t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं इसमें, तो t इज इक्वल टू 0 में 80 कितना है, 80 है आपका ए नॉट के बराबर,
तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दो, ए टी हो गया आपका ए नॉट के बराबर, टी जीरो करोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और बच जाएगा आपका सिर्फ सी। तो यहाँ से मेरा सी कितना आ गया, सी आ गया आपका ए नॉट। तो अब इस सी को यहाँ पे आप पुट कर दो, तो सी को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और इधर लिखता है। अब इस सी को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो आपका ए टी क्या आएगा, ए टी आएगा आपका माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये मिल गया मेरा रिलेशन। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, आप यहां तक फिलहाल लिखो और इसको हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी यहां तक इसको सॉल्व कर लिया। अब हम यहां से के को सेपरेट कर रहे हैं, के को सेपरेट करेंगे तो के हमें क्या दे देगा, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो के को आप सेपरेट करो इस वाले इक्वेशन को और आप सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, के टी इज इक्वल टू, मैं बोल दूं ए नॉट माइनस का ए टी। अब यहां से के क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। यहां से मिल गया हमें के का रिलेशन। इस ये के क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से हमें के का वैल्यू मिल गया। अब बताओ ए नॉट क्या है, ए नॉट है इस ए का कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, ए टी क्या है इस ए का कंसंट्रेशन किसी समय टी के बाद। मतलब आपको क्वेश्चन में बोल देगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना समझो कि ए नॉट है इस ए का कंसंट्रेशन जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, ए टी है इस ए का कंसंट्रेशन किसी समय टी के बाद, इस ए का कंसंट्रेशन किसी समय टी के बाद, और टाइम आपको क्वेश्चन में दिया होगा और आपका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना होगा। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए, ये फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ आपका जीरो ऑर्डर के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये सभी अभी जीरो ऑर्डर के लिए चल रहा है आपका। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अभी हम लोग जीरो ऑर्डर में क्या पढ़ा, जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो रेट होता है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि रेट जो है वो आपका सीधा सीधा रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये टर्म क्या कह रहा है, टर्म क्या ये कह रहा है कि आप कितना भी समय ले लो, कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो रिएक्टेंट का, आपका ये जो रेट चेंज नहीं होने वाला है। जब आपका रेट चेंज नहीं होने वाला है जीरो ऑर्डर के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो आप खुद बताना कि यहाँ है रेट का ग्राफ और ये है टाइम टी। तो टाइम इधर है रेट और इधर है टाइम टी। तो बताओ कि रेट और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम रेट और टाइम में ग्राफ क्या होगा आप खुद सोचो, मैं बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, रेट क्या था आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, जो कि किसके बराबर आया आपका, कांस्टेंट आया। मतलब कि रेट ना थ्रू आउट कांस्टेंट है, इसका कहीं भी आपका टाइम से डिपेंडेंसी नहीं है। टाइम आप बढ़ाओ घटाओ रेट आपका जस का तस रहेगा। जैसे कि अभी जस्ट मैं जब डिराइव करा रहा था, जब ए से हम लोग प्रोडक्ट को फॉर्म करा रहे थे, तो मैंने क्या बोला था कि मान लो कि ए नॉट स्टार्टिंग में ए मोल है टी इक्वल टू जीरो पे,
और t इज इक्वल टू t पे क्या हो गया था, बोला था मान लो at हो गया t इज इक्वल टू t पे, जो कि a माइनस x हुआ था। लेकिन जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो क्या बोले थे कि जो रेट है, जब डेरिवेशन कर रहे थे तो बोले थे रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है at के पावर जीरो के। मतलब कि ये क्या है, रेट, रेट मतलब क्या, डी ए टी बाई डी टी इज इक्वल टू के। मतलब कि ये जो रेट है ना आपका सीधा का सीधा कांस्टेंट आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई टाइम जो है आपका कांस्टेंट आ रहा है, यहां से भी इस वाले पॉइंट से भी आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। मतलब कि और इसके डिफिनेशन से ही जब हम लोग डिफिनेशन स्टार्ट किए थे तो वहां पर भी क्या चीज आया था कि आपका रेट जो है आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये नहीं कि इसके इस रिएक्शन होगा तो इसके कंसंट्रेशन बढ़ेंगे घटेंगे, ये तो होगा ही कि इसके रिएक्टेंट बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, ध्यान सुनिएगा, इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बढ़ने या घटने से इसके रेट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जो कि इसका डिफिनेशन भी बोलता है कि क्या बोलता है इसका डिफिनेशन कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तुम बढ़ाओ या घटाओ, उसके बढ़ने या घटने से इस रिएक्शन का रेट प्रभावित नहीं होगा। तो अगर रेट मेरा प्रभावित नहीं हो रहा है तो रेट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये टाइम टी पे कितना भी टाइम आप बढ़ाते जाओ, कितना भी टी को कितना भी रखते जाओ, आपका जो रेट आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये कब होगा, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तब। तो एक मेरा ग्राफ बना रेट में और टाइम टी में। एक और ग्राफ कहीं कहीं पूछ देता है और वो ग्राफ होता है, बोल देगा कि क्रिएट ग्राफ बिटवीन एटी एंड टी। एटी यहाँ पे क्या है, एटी को लैंग्वेज ही पूछ लेता है कि एटी मतलब कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। बोल देगा कि इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ड्रा ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी एंड टाइम ग्राफ। जो मैंने बोला उसको पॉज करके आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। तो कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी क्या है मेरा, एटी है, और टाइम मेरा क्या है, टी है। मतलब एटी और टी में मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है। ये रिलेशन आप मैंने भी बताया था, तो इस रिलेशन को मैं पकड़ता हूँ, इस रिलेशन को मैं पकड़ रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ, एटी है और मेरा टी है। मतलब कि एटी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। जो एक्सेल वाले बच्चे होंगे उनको मैंने बताया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब मैं इतना बोल रहा हूँ ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उनको चीज़ें रिकॉल हो गई होगी कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं बताता हूँ ड्रॉ कैसे करते हैं। आप देखो ग्राफ का आपने बहुत बचपन में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, y जो होता है वो होता है एम एक्स प्लस सी। ये होता है m होता है आपका स्लोप होता है ग्राफ का, और जो c होता है ना वो होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। मतलब y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, इसका हिंदी हो गया कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वो आपका c बताता है और m बताता है कि उसका स्लोप मतलब ढाल उस इक्वेशन का कितना है। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग ग्राफ किस में ड्रॉ कर रहे हैं, जो मैंने अभी बोला था जस्ट, वो ड्रॉ कर रहे हैं at में, मतलब कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t और t में, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t और टाइम में हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बताओ at आपका कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, और t मेरा कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। तो मैं ये वाला इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन को मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो at आपका क्या था, y था, at आपका किधर था, y एक्सिस पे था, और t कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो at है आपका y, t है आपका x, तो बताइए m क्या होगा, m होगा आपका माइनस के।
और सी क्या होगा, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो सी है आपका ए नॉट। हमने किया क्या, ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था, और हमने ये जानते हैं हम लाइन का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई जो है ये वाई आपका ये एक्सिस है, तो वाई में हम लोग किसको ड्रॉ कर रहे हैं, ए टी को, और एक्स में किसको ड्रॉ कर रहे हैं, टी को। तो एक्स में मैं बोल दिया टी को और वाई में बोल दिया ए टी को। तो अब क्या किया हमने, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, तो कंपेयर करने के बाद एम आ गया आपका माइनस के और सी आ गया आपका ए नॉट। अब बताओ एम क्या बताता है, एम बताता है आपका स्लोप, और स्लोप चूंकि माइनस में है, माइनस मतलब क्या पढ़े होगे, ऐसे या ऐसे, ये दिखाता है आपका पॉजिटिव स्लोप, और ये दिखा रहा है क्या, जब जैसे ही आपका 90 से बड़ा होगा मतलब स्लोप क्या होता है आपका निगेटिव होता है, और 90 से छोटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। पढ़े होगे टेन 90 से छोटा वाला वैल्यू ले लो, टेन 0, टेन 30, टेन 60, टेन 90 तक आपका वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जैसे टेन 90 से आप बढ़ोगे टेन 120, टेन 150, टेन 180 तक, तो वो वैल्यू क्या होता है आपका निगेटिव होता है। तो एम क्या दिखा रहा, माइनस के, माइनस क्या दिखा रहा है कि आपका ग्राफ ऐसे होगा, 90 से बड़ा होगा, और इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है आपका, सी क्या दिखाता है, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस। तो सी क्या बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, तो ए नॉट पे कट करेगा, ए नॉट मेरा क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू मान लो कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बोल दो कि जो कट करेगा ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा ए नॉट से, और ग्राफ होगा कुछ ऐसा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका स्लोप क्या है आपका, स्लोप है आपका निगेटिव, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा माइनस का के, और इंटरसेप्ट कितना है आपका ए नॉट। तो ये हो गया ए टी और टी में ग्राफ, ये भी पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट था। तो ये दोनों ग्राफ को आप ध्यान रखिएगा, और भी इस पे आगे टर्म है, अभी हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हाफ लाइफ के बाद फुल लाइफ भी एक टर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।